रायगढ़ जिले में इरशाल वाड़ी के तल पर स्थित वाड़ी पर बुधवार की रात मौसम का हमला हुआ और बड़ा भूस्खलन देखने को मिला। इस भूस्खलन के बाद कई लोग मलबे में दब गए और 16 लोगों की जान चली गई। इसी पृष्ठभूमि में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 जुलाई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। बुधवार की रात जो लोग चैन की नींद सो रहे थे वह कुछ ही पलों में वहां नहीं रहे और पूरा महाराष्ट्र हिल गया। रायगढ़ जिले में भारी बारिश के कारण आई आपदा में इरशालवाड़ी के 48 में से 17 घर दब गए। इस हादसे में करीब 20 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए जबकि बाकी 10 घरों को बचा लिया गया। हादसे की सूचना मिलने के एक घंटे के अंदर बचाव दल मौके पर पहुंच गया लेकिन बारिश और अंधेरे के कारण बचाव कार्य सुबह शुरू करने में दिक्कत हुई। गुरुवार को दिन में भी बारिश और तेज हवाओं ने रेस्क्यू टीम की परीक्षा ली। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई और बचाव दल 98 लोगों को बचाने में सफल रहा।